मैं व्रत रखूं, घूमू, नाचूं, फिरूं, क्या करूं, आपको क्या क्यों? कहां जा रही है? एकदम से पता नहीं क्या हो गया इसको। कोई नहीं मम्मी, देखो खर्चा तो कर दिया मैंने अब निधि की शादी में। इसने मेरे वाले गिफ्ट मुझे दिए, पहले वाले पुराना उठा के मुझे दिए। अरे तो तू आने वाले तो मैं पहन के उसके बाद ये मैंने निकाला। सही हुई, सही हो गया, सब सही जा रहा। क्योंकि तू पहनती नहीं है, 4 साल हो गए पहने में इसको। 10 साल हो जाए तुम्हें मेरे मुझे। मैं चाहता हूँ कि तू ये दोबारा पहने और तू देख अब कितनी सुंदर लग रही है। ये देख, तो ये मेरा है, ठीक है, मैं भी तेरा हूँ। मुझे उठाकर मेरी चीज दे रहा है, क्योंकि ये पहनती नहीं है। एग्जैक्टली, हाई फाइव दीदी। तो पहना कर ना, यही बताना चाह रहा था वो। मैं सिंपल मम्मी, देखो बात ये है कि मैं चाहता था कि इसकी मम्मी पापा ने इसको डायमंड ये दिया और अंगूठी दी, इसने आज तक नहीं डाला। चाहे मैंने एक बार भी ना डालो, मेरी चीज है वो। हाँ तो पहना करो ना बाबू। हाँ तो मैं अपनी शादी के टाइम पे ये लिया कि मैं डालूंगी, मेरी मर्जी मैं कब डालूं। मैं बकायदा तनिष्क शॉट लेने ये सारा, सो दैट लोगों को भी एकदम लगे कि हाँ मैंने सच्चे में 5 लाख का गिफ्ट दिया है। क्या स्कैम हो गया तुम्हारे साथ? मैं खुश हो गई, मेरे पति ने मुझे पहली बार कहा। जानम करवा चौथ का 5 लाख का गिफ्ट, एक्चुअली कितने का ये? पांच ही आईफोन आ जाएंगे। मैं तो एक एस्टिमेटेड बता रहा था, इसमें कितने आईफोन आ जाएंगे? इसमें चाहे कितने भी आए, कितना नया, तो मेरी जी ऑलरेडी इसकी है। भाभी का हैप्पीनेस लेवल ऐसे था, ऐसे हो गया इनका इमोशनल टैलेंट। मैं I just wanted you to wear this so that you will look so beautiful. चांद हो, चांद की तरह दिखो। तो जो मम्मी पापा ने दिया है वो तुम डाल लो, मैं डाल लेती। अपना नाम लगाने की क्या जरूरत थी, मैं इसको सुबह से पहन ली। तो देख हुआ ये, मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया, तुमने कभी 4 साल तक पहने थे, 4 साल बाद मैंने उसको ड्रॉअर में से खरीद लिया। जब मैंने खरीदा और तनिष्क गया और वहाँ पर मैंने बकायदा व्लॉग करा, तो अब वो मेरा हो गया और उसके बाद मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया। तेरा पति गरीब है, हम शुद्ध गरीब है। चॉइस देखो, ये चॉइस इसकी ऐसी है, पुरानी चीजें उठा के दे देगा, ये चॉइस है। तेरे को भी यही करूंगा मैं, तू भी तो पुरानी है, तेरे को भी तो हम दे रहे हैं ना। मम्मी आप ही रख लो, जो आपके लिए। मेरी चीजों से तुम तो दूर रहो। मैंने मम्मी को दिया है अपनी, मम्मी इसको संभाल ले, मेरी चीज घूम फिर के बार बार। 4 साल बाद तुम्हें गिफ्ट मिला ना, क्या है इतना सारा पॉल्यूशन, फिर से कैसे आ गया? जस्ट नाउ चेक द AQI इंडेक्स ऑफ नोएडा, 500+ हजार्डस। अभी तो जो पराली जल रही है वो भी कम हो गई, उसके बाद भी पॉल्यूशन कहां से आ रहा है भाई, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम ड्राइविंग। अबे साले, टिंग टैंग टोंग, आज घर से बाहर नहीं निकलने का, इमरजेंसी अलर्ट, क्योंकि बाहर हो रहा है 500+ हजार्डस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। गिफ्ट कैसा था? साले को बम से उड़ा दूंगा ये। वो तो गिफ्ट दिखा दे जो मैंने तेरे को साड़ी दी है। मैं नहीं। ये कौन दिखाएगा, ये जो मैंने तेरे को गिफ्ट दिया 5,000 की साड़ी? 5,000, 5 लाख बोल के 5,000। हाँ तो सुनो, तोहफे का ना कोई मोल नहीं होता। पूरा दिन मैंने इसके लिए फास्ट रखा,
मेरी ही ज्वेलरी मेरे को चिपका के कह रहा है कि मैं तेरे लिए गिफ्ट ले, क्योंकि तू पहनती नहीं थी। मैं चाहे डालू चाहे ना डालू वो ऑलरेडी मेरी चीज है। एक सेकंड मम्मी, एक बात बताओ मुझे, इसने कौन सा फास्ट रखा जब ये पूरे दिन भर 20 किलो लिपस्टिक खा चुकी थी लिप्स पे लगा लगा के? कौन सा फास्ट हुआ वो? और उसके बाद इतना मुंह खोलती, इतना मुंह खोलती है, इतने सारे जो कीटाणु मुंह में गए। लॉजिक देखना, कौन सा फास्ट हुआ? जनता नीड आंसर्स। मैंने भी तेरे फास्ट रखा था। पति परमेश्वर होता है मैडम। गिफ्ट का है मेरा? कीटाणु तो तुमने भी खाए। मेरा गिफ्ट का है? तू गिफ्ट मांग रहे ना, मेरा गिफ्ट का है? हाँ अभी साफ सुख गया ना? वो तो मैं खा गया। नहीं मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार। मैं तो ये भी दे वापस कर, तुम्हें रिटर्न करके आऊंगा। छोड़ दे। अच्छा तो मैंने इसको गिफ्ट करा, साइन इश्क प्लस कॉस इश्क इक्वल टू टेन इश्क। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचना, एक बात हमेशा याद रखना, 2 दिन से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, और वक्त पर गर्लफ्रेंड ना बदलो बीवी हो सकती है। यार गाइस मैंने अभी जस्ट न्यूज में देखा, एल्विश यादव यूट्यूबर, बंदे पर FIR हो गई है। क्यों? क्योंकि वो स्नेक वेनम सप्लाई कर रहा था रेव पार्टी में। अबे मैं तो सबसे पहले सरप्राइज इस बात पे हूँ कि स्नेक पॉइजन रेव पार्टी में सप्लाई क्यों हो रही है। ये कौन सा नशा है तेरे को पता है उसमें? नशा है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, लैक्टेंस और न जाने कितने सारे डेंजरस एंजाइम्स हैं, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को आराम से मार सकते हैं। तो जो ऐसी चीज का लोग नशा कर रहे हैं बताओ। और दूसरा भी तो भाई अरेस्ट भी नहीं हुआ है, भाई घर से अपडेट दे रहा है कि मैं ये क्या सीन है, उसके बाद भी मीडिया वाले उसके घर जाकर बकायदा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। अगर कोई फेमस बंदा दिखा नहीं TRP के लिए, मुंह इतना लाल ऐसे गिरने लग जाती है ना। और लास्टली अगर दोषी नहीं पाया जाता मान लो एल्विश, तो ये जो घर जाके परेशान कर रहे हैं मीडिया वाले और ये जो ट्रोलर्स लोग ऑलरेडी ट्रोल कर रहे हैं जिससे मेंटल पीस खराब होगा, इसकी जिम्मेवार कौन होगा? मैं एक बात बोलूं, मुझे नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा, मीडिया सच बोल रही है या एल्विश यादव सच बोल रहे हैं। सिंपल सी इतनी सी बात, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाती तब तक किसी का मेंटल पीस खराब करना बहुत गलत है, बहुत गलत। और लास्टली भाई अगर दोषी पाया जाता है ना तो कड़ी से कड़ी सजा दो, नशा इज बैड। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय इस पूरे इंसिडेंट पे। तूने व्रत रखा था ना? सच सच बता कल तूने व्रत रखा था कि नहीं? तो तूने कल हमें खाना खाते हुए खुद को क्यों नहीं दिखाया? हमारा मर्जी है। जब हमारी बहस चल रही थी ज्वेलरी के रिगार्डिंग, उसके बाद भी इसने खाना नहीं खाया। क्या तूने निर्जला उपवास 24 घंटे रखा था? मैं क्यों रखूंगी? झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मैं सच्चाई जानकर रहूंगा आज की, इसने व्रत रखा था कि नहीं? व्रत रखा था कि नहीं तूने? हाँ लोगों ने कमेंट्स में बकायदा ये लिखा है कि नीरी के पास मेकअप करने का टाइम है, लिपस्टिक लगाने का टाइम है, लेकिन काजू कतली का खाने का टाइम नहीं। तूने कल काजू कतली मना कैसे कर दी जब बचपन से तेरी वो फेवरेट है? हैं? कभी कभी नहीं मन करता है खाने का। झूठ बोल रहा है। ये भी हो सकता है कि बाद में खा लिया हो, पहले खा लिया हो इसलिए भी मन कर रहा हो। बेटा वो कटोरी अभी की अभी अभी भी फ्रिज में है। मैं को पूरा शक नहीं, यकीन हो रहा है कि इसने व्रत रखा था पूरा का पूरा। मम्मी इसने व्रत रखा था कि नहीं? क्यों कर रहा है परेशान? मेरे को सिर्फ जानना है कि मेरी बहन इतनी नीवी है। मैं व्रत रखूं, नाचूं, फिरूं, क्या करूं, आपको क्या? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को जानने का है क्योंकि मैं हूं बड्डा भाई, आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस। रोहन क्या है फिर? कीर्ति का बॉयफ्रेंड नीवा। उससे मुझे याद आया, क्या तूने व्रत रखा था? क्या तूने व्रत रखा था? I am the man of this house. तू क्यों हाथ चला रही है? एक तो तुमने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट के नाम पे मुझे धोखा। तूने दिया? तुमने गिफ्ट? मैंने तेरे को एटलीस्ट 5,000 का गिफ्ट तो दिया। टॉपिक अभी ये नहीं है, टॉपिक अभी ये है क्या तूने व्रत रखा था, और अगर रखा था तो शादी से पहले क्यों रखा था? मर्जी, मर्जी। मम्मी आप बताओ उसने व्रत रखा था? हाँ रखी थी। यार मम्मी क्या है, क्या दिखाना चाह रही हो सबको? मतलब हद है, ये क्या? एक तो ये क्या वर्ड होता है निब्बी? मेरी बहन निब्बी निकली।
निधि निकली नीबी, राजा की होती है रानी, निधि बन गई दीवानी। गाइस पोल खुल गई, निधि ने व्रत रखा था। ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि निधि ने व्रत रखा था। निधि तूने व्रत रखा था। Now everyone knows कि निधि ने व्रत। No one knows। और ये सस्पेंस मिस्ट्री खुल चुकी है। तभी लिपस्टिक ऐसे लगा दी। I'm getting late. Hope you guys enjoyed this video. For whatsoever reason, if you did, then please like and subscribe. Bell icon button को comment करो करें। That's it. ऐसे रहो, साथ रहो, खुश रहो, बात रहो। फिर मिलेंगे। चलते चलते। अगला vlog. Mumbai. Nice to meet you, Shubham. बीच रास्ते में रोक के भाई ने मेरे को उंगली दिखाया। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने अपनी सारी हिस्ट्री देख ली पहले कि मैंने कहीं लेफ्ट राइट कट तो नहीं मार दिया किसी स्कूटर वाले को या बाइक वाले को। फिर भाई ने बोला बिग फैन।